चलो गाइस स्टार्ट मैच होने वाला है स्टार्ट फाइनल्स के फाइनल डे का मैच नंबर टू वीकेंड डे का दस बज चुके हैं लेट स्टार्ट सभी सभी आ चुके हैं यहाँ पे डिस्प्यूटेड का दो नहीं आया टर्मिनेटर्स का एक नहीं आया और वीजीएस का एक नहीं आया है ओके okay, टर्मिनेटर्स की जल्द आ चुके हैं लेट्स वेट फॉर अ मिनट वी वाले भी आ चुके हैं एक मिनट वेट करते हैं फिर निकलते हैं We will, we will start our path very soon, guys. Stay tuned. बहुत ही मज़ा आने वाला है और तीन मैच बचे हैं get over. कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है ना लच्सी okay, okay. ओके फिलहाल तो ठीक है

लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी कौन कौन कहाँ उतरता है प्लेन पाथ क्या बनता है गन फाइट किसका होता है यहाँ तक हमें ऑब्वियस से गन गनफर्ट हमें पता है पोडवोस्टो में होता है है्यूमन ये एक्सपॉर वर्सेस स्नो दैट्स फॉर श्योर गोरो का में हुआ था पिछली बार पीजीएक्स पीजीएक्स वाले काफ़ी बार चेंज करते रहे हैं कोलमाइन भी गए गोरोका भी गए हैं बाकी लेट्स सी, पिछली बार हमने वोलोव साइड देखा था या एबे साइड देखा था टर्मिनेटर्स वर्सेस एमआर हुआ था पिछली बार, टेकिंग ऑफ प्लेन ट्रेजेक्टरी क्या बनता है अपना व्हाट इज द प्लेन ट्रेजेक्टरी okay. निकल चुका है बंदे निकल चुके ओ वही ही, बिल्कुल बिल्कुल ही लेट्स होप बिल्कुल अपोजिट ना बने ये जो जोन है पेशकोवा साइड अगर बन गए तो वही अर्ली रेडियस आएंगे क्रिस्स में जाएंगे ह्यूमन राइट वाले नॉर्मली वही जाते हैं लेट्स सी क्या इस बार भी जाते हैं बोर्ड में जाएंगे टीम सिंगे टॉप ऑफ द टेबल जो है यस yes, उनके साथ ह्यूमन नाइट ह्यूमन नाइट ह्यूमन नाइट क्रिचर्स जाएंगे यस yes, ओके okay, so, टीम के साथ ग्रीन में हमेशा उतरता है बिल्कुल नीचे की तरफ टर्मिनेटर्स विल गो टू गोरोका एल ई पी जी एक्स भी इस बार पीजीएक्स फिर से इस बार जा रहे हैं गोरो का लद्दाख के साथ <coughs> विला में जा रहे हैं एक्सफोर्स नो 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 दे आर गोइंग दे विल गो फॉर पड़ोस तो, yes, एक्सपोर एंड स्नो गन फाइट फिलहाल यहाँ पे गोरोका में देखने को मिलेगा अपने को बाकी वीजीएस जी एस निकल रहे हैं इनके साथ सिंगल रिबोन वाले भी हमें यहीं नहीं दिख रहे ओजोन ओजोन इस बार वाइनरी में मिलनर में जो जिला का स्कॉट जाएगा पीजीएक्स फॉलो कर फॉलो निकल ने टर्मिनेटर्स के को नॉक कर दिया है टर्मिनेट इस टेकिंग दैट अर्ली फाइट जल्ला ने अली वॉक को नॉक कर दिया और फिनिश जल्लाद इंस्टेंट नॉक फिनिश फॉर एली एली एलि गोको के बिल्कुल सामने है अब टर्मिनेटर्स के जल्लाद बिल्कुल ऊपर पी एक्स का भी स्कॉड है ओके सामने यहाँ पे पी का एक्स का स्कॉडमला एलि गोकू याकनूब ए जंगली काफी थोड़ा बहुत दूर है यहाँ पे इज वुल्कन 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 सी यहाँ पे जल्लाद पे थोड़ा सा स्प्रे दिया गोकू ने लेंक सोफी आएंगे पी जी एक्स फुरमान आएंगे भाई यहाँ पे अर्ली में तीन स्क्वाड का फर्ट शुरू होने को है और यकनू जल्ला तीनों एक ही साइड में वुलकन फिनिश हो जाएंगे अली गोलकू गोकू गोकू वेट करेंगे यहाँ पे जल्लाद का जंगली आ चुके हैं कवर देने के लिए यहाँ पे द गेम द गेम आ चुका है टू अली जंगली फुरमान वर्सेस अली जंगली यस कुरबान पे स्प्रे दिया अली जंगली ने बैरल एंड उजी लेके आएंगे कौन फिनिश होता है यहाँ पे वुलकन फिनिश होने को है रिवाइव नहीं मिला है यहाँ पे वुलकन को तो माला फाइनली वुलकन फिनिश हो चुके हैं दोनों के टीम्स को एक एक कैजुअलिटी मिल चुका है यहाँ पे पीजीएक्स के नाइनटीन नाइनटी थ्री थोड़ा इरफान इरफान एंड फुरमान सही है सही है सही है सही है गोकू यहां पे क्लोजिंग करते हुए शायद आई थिंक नहीं अभी तक तो नहीं किया है लेकिन लिंक्स ऑफ स्पॉट कर सकता है लीगो को रूट अल्ट्रा ने का को नॉक कर दिया है अगेन दैट फाइट इन वर्सेस स्नो वर्सेस हमें एक्सार देखने को मिलेगा लेकिन लेट्स सी के यकनूब इनकी जिंदगी आ चुके हैं लेकिन गोको गोको यहाँ पे शायद जंगली को कवर देने निकलेंगे यस गोल्डन द रूट अल्ट्रा को नॉक कर दिया लेट्स गो टू दिस फाइट यार रूट अल्ट्रा कैजी कल के मैच की बात करें तो कल यहीं स्नो स्नोवाल को फिनिश किया था एक्स वॉर वालों ने एक्स वॉर के बाकी मेम्बर्स की बात करें स्नो गोल्डन द रूट अल्ट्रा को भाई पंच मर के फिनिश किया है तो एक्सवॉर वाले काफी ओपन से आएंगे रूट वेनम तो स्नो की बात करें तो स्नो गॉडलेस ट्वेंटी वन हीर यस यहाँ पे स्माल ला ने गेम को नॉक कर दिया है एक्स वार जोकर को स्पॉट करेंगे इस एक्स वार जोकर को स्नो ट्वेंटी वन ही नॉक एंड फिनिश कर देंगे फिनिश करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे रूट वेनम यहाँ पे स्नो ट्वेंटी वन हीर को स्पॉट कर लिया है रूट वेनम ने तो रिवाइव देने के लिए जाएंगे यहाँ पे रूट वेनम स्प्रेज आ रहे हैं टूवर्ड्स रूट वेनम स्नो आर्सन ने यहाँ पे कवर दिया था समान ला था गेम को फिनिश करते हुए पी जी जी के तो थोड़ा फ्लैंग मारे हैं यहाँ पे रूट वेनम दे रहे हैं रिवाइव दे चुके हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट जोगर को स्नो आर्सन जल्लाद ने जंगली को नॉक कर दिया है We will go to that fight. जंगली को फिनिश भी कर दियार को नॉक कर, दिया। तो कर दिया है यहाँ पे पीजीटी नाइनटी थ्री आएंगे पीजी फुरमान ने टर्मिनेटर्स के याकनूब को नॉक कर दिया है एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू फिनिश देस पुष कर रहे फुरमान 1993 थ्री के बिल्कुल सामने है यहाँ इरफान फिनिश करेंगे याकनूब को फरमान याकनूब को यहाँ पे लिंक्स ओपी थोड़ा सा कवर देते हुए तो बचते हैं यहाँ पे टर्मिनेट के दो उसको दो मेंबर्स लद्दाख के दो मेंबर्स पीजीएक्स के तीन मेंबर्स ओके okay, फॉर्मैन 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 कुछ दिन करते हुए यहाँ पे लिंक्स ओपी को स्पॉट कर लेंगे लिंक्स ओपी पिन करके बैठे हुए यहाँ पे ओके 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 लेट्स सी वेर दिस फायर विल गो एलिगोकु विदाउट हेलमेट अभी भी स्मल्ला 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 क्या हो गया 1993, 1993, लेके यहाँ पे इनके बिल्कुल सामने इसमान भाई पी जी एक्स एर् लद्दाख वालों को खोने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे वो टॉप फोर में है शायद तो यहाँ पे लद्दाख अगर अर्ली एग्जिट होते हैं तो भाई उनका बहुत बहुत घाटा हो सकता है बाकी टर्मिनेटर्स तो उतना नहीं है है वो भी काफ़ी क्लोज है टॉप फोर फाइव में टॉप फाइव में तो नहीं टॉप टेन में इरफान आएँगे यहाँ एली एलिगो को ओके लिंक्स यहाँ पे स्प्रे दे रहे हैं टूर्स नाइनटीन नाइनटी थ्री यहाँ पे पुश कर चुके एलिगो को अकेले यहाँ पे अच्छा क्या करता है एलिगो को यहाँ पे स्प्रे दे के इरफान को नॉक कर दिया है थोड़ा पीछे फॉलो बैक करेंगे एलिगो को बिल्कुल बिल्कुल वन एच पी यहाँ पे एलिगो को और टर्मिनेटस फ्रमान फरमान पुश कर चुके हैं यहाँ पे लिंक्स ऑफिस स्प्रे दे रहे हैं जल्लाद सी जल्ला जल्लाद यहाँ जल्ला जल्ला पे इरफान को फिनिश कर सकते हैं किस फिल्म अच्छा नो no, दैट्स नॉट इरफान इरफान रिवाइव हो जाएंगे भाई फुरमान एगो को यहाँ पे फॉलो करेंगे बिल्कुल इनके पास हेल्केट बिल्कुल भी नहीं है ओके okay, एक है अब हेल्थ किट पॉप अप करेंगे स्मानला भी फॉल बैक करेंगे ओके दे डोंट वांट टू टेक दिस फाइट दे विल मूव लेट्स सी पीजीएक्स वर्सेस टर्मिनेटर्स कहां तक जाता है ये फाइट बाकी <coughs> स्नो वाले फॉल बैक कर चुके हैं बाकी स्कॉट्स की बात करें तो मेवरिक्स वॉल लूट कर रहे हैं ई टी की तरफ रॉथ का स्कॉट डोबरमेस्टो में है तो ओके ज़ोन ज़ोन भाई बिल्कुल लेफ्ट की तरफ हो चुका है शिफ्ट डोग्र में तरफ तो लेट्स सी अभी फाइट जारी यहाँ पे टर्मिनेटर्स पीजीएक्स जी वाले थोड़ा फॉल बैक कर चुके हैं तो लेट्स सी बाकी क्या दो किल यहाँ पे टर्मिनेटर्स वाले लेके लिंक्स एंड जल्लाद जल्लाद अभी भी विदाउट हेलमेट पीजे इसकी बात करें तो इरफान 1993 एंड फुरमान फुरमान एक की लेते हुए टर्मिनेटेड जल्लाद 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 यहाँ पे ओके ये लोग काफी ओपन में जा रहे हैं लिंग ओपिक को स्प्रे दिया है लेकिन पड़ा नहीं उतना अब पड़ा है यहाँ पे 1993 स्प्रे दे रहे हैं ओके कॉल करने की सोच रहे हैं शायद यहाँ पे टर्मिनेटर्स का स्कॉट पीजे इरफान काफी ओपन से पुश आ रहा है यहाँ पे टूवर्ड्स देम यस सेक्स टेबल भी काफी क्लोज आ चुके हैं यहाँ पे एली गोकू एंड स्मल्ला फॉल बैक कर चुके हैं फुरमा इरफान काफी क्लोज में है यहाँ पे बैरल लेके काफ़ी ओपन में जाएंगे अगर गए विदाउट कवर तो नॉक हो सकता है बाइट एमिनेटर जल्लाद इरफान एंड फ़ुरमान आ चुके हैं नाइनटीन थ्री पीछे कवर देने के लिए बैठ चुके हैं आई थिंक नाइनटीन थ्री को भी आ जाना चाहिए अगर ये दोनों नॉक हो गए तो उनके लिए बच के निकलना ही सही रहेगा तब तो जल्लाद ने यहाँ पे बीबी भी का स्प्रे दिया है लेकिन एक भी शॉट नहीं लगा यहाँ पे लिंक्स यहाँ पे इरफान को स्पॉट कर सकते हैं। यस yes, फुरमान को नॉक कर दिया है जल्लाद ने तो इरफान यहाँ पे इरफान को नॉक कर दिया जल्लाद ने भाई जल्लाद इज़ प्लेइंग ओपी। अकेले बचते हुए 1993 जैसे कि मैंने बोला था अगर यहाँ पे फिनिश होते ये दो तो उनको बचाना पड़ा थोड़ा मुश्किल रहेगा 1993 के लिए पी जी एक्स के पिन करके बैठे हुए यहाँ पे हार्ट पीक ओ, के ओज के एम ट्वेंटी फोर का चांटा दिया यूमायट के गॉड किंग को मेवरिक्स के मैट्रिक्स ने ओजोन स्मोकर को नॉक कर दिया है ओजोन वर्सेस मैडिक्स की तो जल्लाद फिनिश करने जा रहे हैं इरफान को फिनिश कर देंगे थोड़ा सा जोन भी आ चुका है अब नाउ दे शुड कम फॉर द जोन जल्लाद निजी की तरफ से आ रहे जोन में यहाँ पे फुरमान रिवाइव हो जाएंगे इसी के साथ जल्लाद बिल्कुल इनके सामने है 1993 स्पॉट कर लिया है इस बार 1993 को नॉक कर देंगे फरमान बिल्कुल वन एच पी बचे लेकिन फिनिश करने की कोशिश ओके फिनिश भी कर दिया है लेकिन खुद भी नॉक हो गए फ़ुरमान का जो कवर फायर दिया था लेकिन काफ़ी लेट हुए कवर फायर में बंदे को बचा नहीं पाया लेकिन अकेले बच्चे हैं फुरमान तो फुरमान शायद निकलने की सोचेंगे यस यहाँ पे रूट वेनम को फिनिश कर दिया है आई जी के रेट्रो ने ओजोन आई जी ओजोन वर्सेस मैवरिक्स वर्सेस के ओजोन के स्मोकर हो चुके हैं रिवाइव तो फुरमान फुरमान यहाँ पे फाइनली फिनिश होते हुए टर्मिनेटर्स के द्वारा तो टर्मिनेटर्स टेकिंग फ्राम हेयर नाव विल गो द जोन नाउ यहाँ पे भाई पसर मच चुके है। टीम चुकेर वेव जीएस का नॉक निकलते हुए किसके द्वारा आई थिंक मेवरिक्स पे जीएस नॉट व्यू व्यू को नॉक फिनिश कर दिया है वी वालों ने ओके okay, यहाँ पे सिंगेर रिबॉन का फाइट हुआ है ओके ऑन पोजिशन बाई जो सेकेंड पे है वो एग्जिट मार चुके तो अब पॉइंट टेबल थोड़ा चेंज होने वाला है गाइस थर्ड <coughs> पे है मेवरिक्स अगर थोड़ा अच्छा पॉइंट लाया तो मेवरिक्स सेकंड पे जा सकते हैं बात करें यहाँ पे सिंगे फुनसो टीम नंबर वन जो टॉप ऑफ द टेबल है लेट्स सी एच पे आए यहाँ पे काफी है यहाँ पे ह्यूमनाइट के वाइब्रेंट बिल्कुल इनके सामने है लेफ्ट साइड पे सिंगे टीम सिंगे टीम और रॉथ के ऑर्ड क्या कर रहे हैं यहाँ पे रॉथ हॉल बिल्कुल इनके नीचे बिल्कुल ओपी लोकेशन पे रॉथ हॉल अगर यहाँ पे जोन फिनिश होता है तो वही पसटने बचने वाला है यहाँ पे साइको साइको भी बिल्कुल सामने है आईजी का टीम साइको अकेले बचते हुए अपने स्क्वाड की तरफ से जीरो किल्स के साथ इस बार एक्स वॉर फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं विदाउट एनी किल्स एक्स वॉर का स्क्वाड साइको थोड़ा ख़तरे में साइको फिनिश हो सकते हैं बाय आईजी और क्या हमने काफ़ी बार देखा है एक्स वॉर की टीम के काफ़ी प्लेयर्स ने क्लच किया है लेट्स सी क्या इस बार भी क्लच हो सकता है तो कुछ आ चुका है यहाँ पे

निकलेंगे यहाँ पे जोन में लद्दाख का फाइट हो सकता है बट यहाँ पे स्मल लग उतार दिया है जो जिला के मुनीर ने और इस बार लद्दाख एज बी फिनिश्ड ऑन फिफ्टीन पोजीशन गाइस मेवरिक्स और जो के रॉथ वालों को थोड़ा सा फायदा हुआ है यहाँ पे टीम सिंगे और लद्दाख का अर्ली एग्जिट होना लेट्स सी अब क्या होता है यहाँ पे क्या टीम सिंगे सिंगे सॉरी रि okay, सिंगे रिबॉन कर लिया एक टीम सिंगे अभी भी बचे टीम सिंगे अगर यहां पे बढ़िया सर थैंक यू हां तो बोल रहे थे क्या हाँ टीम सिंगे अगर यहां पे बना पाते हैं टॉप फाइव में भी तो काफी आगे चले जाएंगे क्योंकि सेकंड पे के ऑलरेडी एग्जिट हो चुके हैं और इनके लिए अगर मेवरिक्स अर्ली एग्जिट मार लेते तो भाई सोने पे सो आगा बिल्कुल स्नो यहाँ पे हो सकता है काफी क्लोज में आ चुके हैं बुरकत को नॉक कर दिया तो कैन हैं उर्का को शायद स्पॉट कर लेंगे यस उर्का को नॉक फिनिश कर सकते हैं यहाँ पे राइजन यस जैसे कि मैंने कहा लेकिन अब आएंगे पुश यहां पे। टू वि थ्री सिचुएशन नीड्स किए गए यहां पे फ्लेयर चलाया गया है बाय आईजी। लेट्स सी पुश पुश आएगा वीजीएस के दो बंदे का कैजुअलिटी लेते हुए वीजीएस का स्कॉट स्नो टेकिंग दिया फर्स्ट कैजुअलिटी स्नोर का ओके okay, अभी भी यहां पे बिल्कुल मतलब हार्ट टीपी भी लेके बैठे हुए हैं रॉथ हिमनाइट एंड वीजीएस चलो भाई लेट्स क्या होता है क्या ही होता है नेक्स्ट गाइज़ नेक्स्ट ओके ओजोन वर्सेस काफी क्लोज में आ चुके हैं आईजी बीस को थोड़ा स्प्रे मिल चुका है ओके जोजिला ने मंगाया है फ्लेयर लुटेर लो हो चुके हैं शायद नॉक हुए थे अभी रिवाइव हो चुके हैं अली जुल्फी मुनीर एक्स फोर मुनिर सिक्स बैरल साकी साकी की बात करें तो यहां पे बिल्कुल इनके नीचे है अनडिस्प्यूटेड स्कॉड अनडिस्प्यूटेड स्कॉड निकल चुके हैं ओके बोर्ड में निकलेंगे यहां पे जोन की तरफ पानी में रहना बेहतर रहेगा अनडिस्प्यूटेड के लिए स्नो आर्स ने राइजन को नॉक कर दिया है स्नो वर्सेस से होते हुए यहां पे और विजियस का स्कॉड फिनिश्ड बाय स्नो इसी के साथ सी अभी भी फाइट अभी भी नहीं हुआ एल जेड डी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे See, यार अभी भी ये लोग फाइट नहीं ले रहे फिलहाल काफी भी भी चल रहा है एंड सिंगे सिंगे टीम सिंगे के द्वारा टीम सिंगो को कुछ नहीं करना है ये टूर्नामेंट जीतने के लिए बस दे है लाना है टीम को बस विद किल्स एंड दे कैन सिक्योर दैट पोजिशन एन अनलेस जो नीचे वाली टीम से जो सेकंड थर्ड पे कुछ ज्यादा दस पंद्रह किल करके चिकन डिनर ना कर ले तभी उनको खतरा हो सकता नहीं तो उनको ये टूर्नामेंट जिताने से कोई नहीं कोई भी नहीं बचा सकता उनको ये टूर्नामेंट जीतने से कोई रोक नहीं सकता ओके okay, यहाँ पे आई जी बीच आ चुके हैं वो आई जी रेट्रो ने स्नो गॉर्डलेस को नॉक कर, 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 कर दिया है यहाँ पे स्नो वर्सेस आई जी एंड स्नो भाई काफी लेट रॉथ हॉल ने ह्यूमनाइट फ्लोकिंग को नॉक कर दिया है रॉथ हॉल को नॉक कर दिया है नोट ट्वेंटी वन हीर ने आई जी रेट्रो को नॉक कर दिया है आई जी फैल्कन यहाँ पे ऑसम ऑफ स्नो ऑर्सन आसन वर्सेज फैलकन यहाँ पे ट्वेंटी वन हीर को नॉक कर दिया स्नो आर्सन शायद अकेले बचे हुए अपने स्कॉड की तरफ से फाइट हो सकता है यहाँ पे ओजोन ओजो के बिल्कुल इनके मेवरिक्स के वेजेटा के सामने और बिल्कुल लेफ्ट में यहाँ पे आई जी मेवरिक्स के मेट्रिक यहाँ पे स्प्रे देते हुए ओजोन स्मोकर को नॉक करते हुए येस देस क्योंकि ओजोन वाले बिल्कुल इनके नीचे ही है कॉन्स्टेबल में बात करें तो फोर्थ पे ही है ओजोन सेन ने मेवरिस के वेजेटा को नॉक कर दिया है गोकू काफी आगे निकल चुके हैं यहाँ पे ओजोन सेन लेकिन काफी ओपन में आएंगे मेवर के रेक्स को नॉक करेंगे वेजेटा नॉक पड़े आई जी बीस आएंगे अब के मैट्रिक्स को स्पॉट करेंगे ओके यहाँ पे गोकू का बहुत ही बढ़िया कवर मिला है मैट्रिक्स एंड गोकू लेट्स सी क्या कवर दे पाते हैं आपने अपनी टीम के लिए वेजेट एंड रेक्स ओके वेजेट एंड रेक्स दोनों नॉक पड़े हैं अगर यहाँ पे एक नेड़ आता है तो फिनिश हो सकता है मेट्रिक मेवरिक्स का स्क्वाड बाकी निकल जाएंगे जोजला वाले जोन में ओजोन वाले भी जोन में निकल चुके है ओके टू टेक दिस फाइट फॉर नाउ रॉथ एंड ह्यूमन नाइट भी आएंगे जोन में जोन शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे टीम सिंगे को आना पड़ेगा जोन में टीम सिंगे स्लोली स्लोली जोन में आते हुए लेकिन इनके बिल्कुल सामने है राइट में यहाँ पे ह्यूमन नाइट का स्क्वाड लुटेरा किंग ने मेट्रिक को नॉक कर दिया है और मैट्रिक्स को फिनिश कर दिया मुनीर एक्स ने गेट कीपिंग चल रहा है फॉर मेवरिक्स यहाँ पे गोकू विजेटा एंड रेक्स मैट्रिक्स फिनिश हो चुके हैं और बिल्कुल नीचे की बात करें तो यहाँ पे साक के बिल्कुल नीचे है आईजी आईजी हीट तो आईजी जी को मैंने एक्स ने फिनिश कर दिया है भाई आईजी वर्सेस किसका फाइट हो रहा है यहाँ पे पानी साइड बहुत फाइट हो रहे हैं मेवरिक्स के गोकू मेवरिक्स के बाकी मेंबर्स कहा है यहाँ पेटा पे दे विल गो फॉर द जोन नाउ साकी काफी ओपन में है जोन जोन वाले स्लोली स्लोली जोन में तो पहुंच गए हैं आईजी के फैल्कन सेक्सीबो निकलेंगे जोन की तरफ एक ही गाड़ी में मेवरिक्स वाले जोन में निकलेंगे और ये इनके लिए बहुत खतरा हो सकता है अगर यहाँ पे स्प्रे आया पूरे स्क्वाड का तो पूरा स्क्वाड फिनिश हो सकता है मेवरिक्स का यस जैसे कि मैंने बोला था मेवरिक्स वाले गाड़ी नीचे की तरफ तो लिए है लेकिन नीचे की तरफ आईजी का स्क्वाड है और ऊपर ओजोन का स्कॉड दे यहाँ पे जो जिला का स्क्वाड यहाँ पे मेवरिक्स के वेजेटा पे स्प्रे मार के नॉक कर सकते थे यहाँ पे ही बिल्कुल मेवरिक्स के वेजेटा के सामने ले जोन से गोकू नॉक हो गए है यहाँ पे जोन से फिनिश हो सकता है मेवरिक्स का स्क्वाड सेक्सी बॉय को नॉक करते हुए आईजी वर्सेज हो चुका है ओजोन आई जी के औसमूप अकेले बचते हुए यहाँ पे तो भाई सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे जोजिला वाले ले रहे भाई इनके पास है जोन हाइट मैन पावर ऊपर से सेक्सी बॉय फिनिश होते हुए यहाँ पे ओजोन के स्मोकर साकी लेट्स सी साकी के बिल्कुल नीचे आए ओजोन का स्कॉर्ड नेट की बारिश बर्फा की जा रही है यहाँ पे मेवरस की वेजेटा एंड ड्रग्स बचे हुए लेट्स सी क्या करते हैं यहाँ पे काफी दुविधा में फंस चुके हैं यहाँ पे रेक्स मेवरिक्स के टीम ने की बारिश थर्टी सेकंड में जोन में निकला ह्यूमिनाइट गॉडकिंग ने यहाँ पे एल काले को नॉक कर दिया है रॉकी ने सिंगे लुखिल को नॉक कर दिया है टीम सिंगे सिंगे मानता रॉकी को नॉक करते हुए इसी के साथ लुटेरा किंग Rex, Rex, काफी ओपन से आएंगे यहाँ पे, पे स्प्रे मिल सकता है Rex के बिल्कुल सामने ही, टोपी, ही टोपी को नॉक कर दिया रेक्स ने लेकिन यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं वो ज़ोन का स्कोर लेकिन यहाँ पे एम के के आएंगे वेजेटा मेवरिक्स फिनिश्ड ऑन टेंथ बाय जोजिला बाय जोजिला वाले पेल रहे यार इस बार बहुत गंदा पेल रहे है का स्कॉड यहाँ पे टर्मिनेटर्स वर्सेस हो सकता है ग्रीन चिली एल ड्रैगो को नॉक कर देट वर्सेज एल जर हमें देखने को मिल रहा है एलिनाइट के एल सीजर एंड हैप बस बचे हैं सी हैप क्या करते हैं यहाँ पे ह्यूमनाइट का क्रॉथ का स्क्ॉड भी बिल्कुल इनके सामने है। हैप निकलेंगे जोन में बाकी ह्यूमनाइड 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 भी आएंगे स्लोली जोन में ए भाई इन सब का फाइट का फायदा हो रहा है यहाँ पर टीम सिंगे को सिंगे को काफी फायदा होगा क्योंकि जो भी उनके कॉम्पिटेटर्स थे सेकंड थर्ड पे अभी तक एग्जिट मार चुके हैं सिर्फ रॉद बचे हैं जो फोर्थ पे है और सिक्स पे शायद इथ्रल्स है जो उनको थोड़ा टक्कर दे सकते हैं कॉन्स्टेबल वो ऊपर आने के लिए बाकी तो भाई मेवरिक्स लदाग एच और आपके है सिंगे रेबॉन टीम सिंगे के लिए जो खतरे थे वो अभी तक निकल चुके हैं के रास्ते से यहाँ पर रॉत रॉत का कंप्लीट स्कोर जिंदा है रॉत वाले अगर यहाँ पर चिकन डिनर निकल सकते तो काफ़ी आगे आ सकते हैं पॉइंट टेबल में मे बी सेकेंड थर्ड तक आ सकते हैं लेट्स सी क्या होता है अब आउट ऑफ जोन आते हुए रॉथ हॉल यहाँ पे उठा सकते हैं जोन से नॉक हो जाएंगे अलीह हैव यहाँ पे डैमेज देते हुए सिंगे टीम सिंगे वी आर सी टेकिंग डैमेज सिंगे को फुनसो अकेले बचते हुए शायद यस yes. सिंगे भी खतरे में यहाँ पे इसी के साथ टीम सिंगे फिनिश्ड बाय शायद गोडकिंग यहाँ पे इटीआर के तरफ स्प्रे देते हुए एलदेडी एसर एंड अली है बचे हुए यहाँ पे एलदेडी की तरफ से इटीआर के तरफ से कंप्लीट स्क्वाड ओके नो वॉन्ग फिनिश हो चुके कोर्ड नेम को फिनिश कर देंगे हिमनाइट के गोर्ड किंग अकेले बचते हुए अली हेप कोर्ड नेम को फिनिश कर देंगे ओके ए वाहिद ने यहाँ पे रॉथ हॉल को दिया है कार ना का जोरदार चांटा जो हमें बड़ी जोर से सुनाई दिया कफन रॉक के उसको फिनिश कर नॉक करते हुए रॉत के दो बंदे नॉक अली द जोन यहाँ पे नीड टू गेट टू दीन चिल्ली छीम बचे यहाँ पे जोजिलान नाइट गॉडकिंग यहाँ पे काफी ओपन से आएंगे बिल्कुल सामने ए टी आर के वाहिर राइट में देखा जाए तो इनके है जोजिला मुनीर एक्स यहाँ पे स्पॉट कर सकते है भाई जोजला वाले इस बार क्या खेल रहे भाई जो किल्स उठाए यहाँ पे काफी टीम्स को गेट कीपिंग करके मारा यहाँ पे मेवरिस को मारा इन्होंने ओजोन को मारा आईजी भी कहीं थे आईजी को भी शायद इन्होंने ही मारा किंग काफी ओपन से आएंगे किंग को यहाँ पे वाहिद नॉक कर सकते लेकिन यहाँ पे मुनीर एक्स ने फिनिश कर दिया नॉक डैमेज सारा यहाँ पे ईटीआर के वाहिद ने दिया था जोन निकल चुका है बस आपको जोन में निकलना पड़ेगा तो मुनीर एक्स को यहाँ भी ईटीआर फयाज यहाँ पे स्पॉट कर चुके हैं उनको पता है जोजिला वाले आएंगे जोन में यहाँ से रॉथ विक्टर को अलहद नॉक करते हुए रॉथ पाई को सीजर नॉक करते हुए अली हैब अली हैब इज ऑन फायर यस अली हैब यहाँ पे रॉत के तीन मेंबर्स को खाते हुए यस चार किल के साथ यहाँ पे अलीह के बिल्कुल सामने है ETR का है सोलो ए टी आर का स्कॉड अलीह सोलो में फ्रामीआर और यहाँ पे अलीह को फिनिश कर देंगे ETR के कफन तो गाइस यहां पे ग्रीन चिल्ली ग्रीन चिल्ली के पास है जोन भाई जोन में है ग्रीन चिल्ली नहीं सॉरी इट्स नॉट ग्रीन चिल्ली इट्स ए जिनके पास है जोन सबको इनकी तरफ आना पड़ेगा अब

स्पॉट करेंगे सैक्सपेट को नॉक कर देंगे ए टी आर के वाहिद लेकिन बाकी बात करें तो फयाज को फिनिश करने तो नहीं किया अभी तक लेकिन फिनिश कर सकते हैं दो जिला का स्कॉट दे विल थिंक ऑफ कमिंग एंड ए टी यार फयाज को नॉक कर दिया फिनिश कर दिया है तो मुनीर एक्स अकेले बचते थे, थे अपने स्कॉट से और ए टी आर वाहिद ने फिनिश कर दिया है नाउ इट्स टाइम फॉर थ्री वी टू

जो जिला। भाई जो जिला वाले थे यार। क्या खेला इन्होंने इस बार फोर्थ पे आए एल जेड डी फिफ्थ पे रॉथ सिक्थ पे ह्यूमन नाइट सेवेंथ पे है टीम सिंगे आउट बैड मैच फॉर टीम सिंगे बट थोड़ा ऊपर और आते तो काफ़ी सिक्योर हो जाते पोजीशन के लिए एट पे टर्मिनेटर्स नाइन्थ पे है यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड टेंथ पे है